हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रोस्टेड। चिकन रोस्टेड बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, ये आधा केजी चिकन है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और ये एक चम्मच बेनिगर है, इसको भी हम डालेंगे। चम्मच नमक है, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लें। पानी का क्वांटिटी इतना रहना चाहिए कि चिकन अंदर हो और पानी ऊपर। चिकन में हम वेनेगर और नमक डालकर एक घंटा के लिए फॉर्मेंट होने के लिए ढककर छोड़ देंगे। चिकन में हम नमक और वेनेगर इसलिए डालते हैं कि ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसे ढककर छोड़ देंगे एक घंटा। रोस्टेड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। बड़ा चम्मच से दो चम्मच हमने बेसन लिया है, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है, एक चम्मच रवा सूजी, स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, थोड़ा सा मिर्चा का पेस्ट लिया है, हरा मिर्चा है ये। अब मसाले में देख लेते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच बड़े चम्मच से नींबू का रस लिया है हमने और आधी कटोरी दही लिया है, ये चार चम्मच दही है। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसको हम अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से धो लिया है। लेग पीस को हम बीच से ऐसे थोड़ा सा कट लेंगे। अब इसमें डालेंगे दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा मिर्चा का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, सूजी, बेसन, ये देखिए हमने डाल लिया है। अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। सारा मसाला हमने डाल दिया है। अब नींबू का रस डालेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप डाल दें कलर के लिए। अब इसे हम ढक के एक से दो घंटा तक फ्रीज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं रखें, फ्रीज में रखें। हम दो घंटे बाद फ्रीज से निकाल लिए हैं। ये देखिए अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर डालेंगे हम। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हाथों से मिला लें। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक कढ़ाई बैठाएंगे, अब इसे गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो गया है हमारा। अब इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब अच्छे से इसे गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे चिकन। ये देखिए गैस को कम कर दें और इसे कम पर ही पकाएं। ये देखिए हमने सारे चिकन को डाल लिया है। अब इसे अच्छे से धीमी आंच पर फ्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अब एक स्पॉक के हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे से थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे हम। ये देखिए इसी तरीके से। ये देखिए हमने रोस्ट कर लिया है। ये हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है रोस्टेड चिकन। थोड़ा सा अब हम इस पे डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है रोस्टेड चिकन हमारा। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतना अच्छा से पक गया है अंदर से भी।
अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।